दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का शानदार तोहफा अब इस तारीख तक बिना रुकावट के मिलते रहेगी पेंशन। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा 27 नवंबर 2020 को सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस ऑर्डर है। और इस ऑफिस ऑर्डर का फायदा लाखों भूतपूर्व सैनिकों को होने वाला है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, ये जारी किया गया है पेंशन भोगियों के द्वारा हर साल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जाने के संबंध में। जैसे कि वर्तमान हालातों को देखते हुए सरकार ने पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया था, लेकिन अब उसमें यहाँ पर और बढ़ोतरी कर दी गई है और अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और यदि इस पीरियड तक भी कोई पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाता है, तब भी उसकी पेंशन नहीं रोके जाने के आदेश यहाँ पर सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिस ईयर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स मे सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स टिल 28 फरवरी 2021। ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड द पेंशन विल बी कंटिन्यूड टू बी पेड बाई द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज वी अनइंटरप्टेड, यानी कि बिना किसी रुकावट के आपको 28 फरवरी 2021 तक पेंशन का भुगतान किया जाता रहेगा। यदि आप इस पीरियड के बाद में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाते हैं, तब जाके आपकी पेंशन रोकी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक सबमिट नहीं होता था, तो आपको दिसंबर की पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन सरकार ने अब एक बड़ी ही अच्छी राहत यहाँ पर दे दी है। और इसके संबंध में पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था 23 नवंबर 2020 को, और उसके बाद में अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा भी सभी संबंधित अधिकारियों को यह आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया, जिसका फायदा लाखों भूतपूर्व सैनिकों को होने वाला है। तो फिलहाल एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।